प्राचीन कामरूप साम्राज्य की राजधानी, ब्रह्मपुत्र के तट पे बसी एक स्वर्ण नगरी और एक ऐतिहासिक तंत्रा मंदिर का घर, आज गुवाहाटी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। मैं हूं असम में यहाँ के हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करने के लिए और मेरी जर्नी की शुरुआत भी गुवाहाटी से हुई। चलिए आज के वीडियो में हम साथ में गुवाहाटी को एक्सप्लोर करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको गुवाहाटी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको पहले पता ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो आई हैव रीच्ड गुवाहाटी। 3 घंटे की जर्नी के बाद मैं फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ। आई हैव एक्चुअली बुक्ड अ टैक्सी फॉर अ डे, तो नंद किशोर जी को ढूंढना है बाहर जाके। वेलकम टू गुवाहाटी। मैंने गुवाहाटी में अपने एक्सप्लोरेशंस की शुरुआत की एक ऐसे मंदिर से जो प्राचीन काल से भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध रहा है, कामाख्या मंदिर। ये मंदिर काफी विख्यात है अपनी तंत्रा पूजा के लिए भी। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित है और ये बाकी हिंदू मंदिरों से थोड़ा अलग है। इस मंदिर के गर्भगृह में किसी भगवान की मूर्ति नहीं है जैसा कि बाकी मंदिरों में होता है। इस मंदिर का गर्भगृह कामाख्या माता के गर्भ को ही रिप्रेजेंट करता है। गर्भगृह में कामाख्या माता की योनि है और इसी योनि की पूजा की जाती है। दिस रिप्रेजेंट्स लाइफ, दिस रिप्रेजेंट्स रीबर्थ, रीजनरेशन एंड सो मच मोर। ये मंदिर पहली बार 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनाया गया था नगरा स्टाइल में, पर उसके बाद इसका डिस्ट्रक्शन हो गया और जब 16वीं शताब्दी में इसे दोबारा बनाया गया तो ये काफी टिपिकल असम स्टाइल, जो अहोम स्टाइल था, उसने बनाया गया है। और यही कारण है कि इस मंदिर का आर्किटेक्चरल स्टाइल इतना यूनिक है। कामाख्या मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद समय हो गया था अपने होम स्टे जाने का। So this is my homestay. It's called By the Lake Homestay, and quite nice. I really like how it's so comfy and so homely. And the room is big, and the mirror is huge. So that's me. अभी आपने मेरा room देख लिया है, तो let me show you around a little bit more on my second favorite part here at the guest house. तो ये है यहाँ का very inviting kitchen. You can make your own chai. अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फेवरेट पार्ट क्या है यहाँ पे, विच इज दिस ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया। गुवाहाटी में रहने के लिए कई 5-स्टार होटल्स हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ के होम स्टेज को ट्राई करने के लिए। होम स्टेज में रहना काफी अफोर्डेबल होता है और साथ साथ आपको यहाँ के लोकल कल्चर में भी क्रैश कोर्स मिल जाता है। आई लर्न सो मच फ्रॉम माई होस्ट हियर इन गुवाहाटी। मैं होल हार्टेडली इस जगह को रिकमेंड करूंगा अगर आप अपनी ट्रिप प्लान करते हैं गुवाहाटी के लिए। आफ्टरनून का समय मैंने यहाँ नॉर्थ ब्रुक गेट पे बिताया, जो अक्सर गेटवे ऑफ आसाम के नाम से भी जाना जाता है। इस गेट का डिजाइन इंग्लैंड के फेमस किंग्स कॉलेज चैपल से इंस्पायर्ड है। जब तक शाम हुई मुझे ये एहसास जरूर हो गया कि मैं असम की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, एंड सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। मैंने फटाफट उबर ली और पहुंच गया गांधी मंडप पे साउंड एंड लाइट शो देखने के लिए असम के इतिहास के बारे में। शो बेहद खूबसूरत था और मुझे बहुत मजा आया, पर एक टिप जरूर आपको दूंगा, यहाँ से वापस आने के लिए आपको गाड़ी नहीं मिल पाएगी और आपको पैदल ही आना पड़ेगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। किसी भी नए शहर में मुझे वहाँ की बाजार से एक्सप्लोर करने में काफी मजा आता है और गुवाहाटी में मैं यहाँ की फेमस उजान बाजार गया।
ये मार्केट ब्रह्मपुत्र के छोर पे बसी है, पर फॉग इतना था कि नदी तो नदारत ही थी। तो अभी मैं आ गया हूँ उजान फिश मार्केट में, जो मेरे होम स्टे से करीब 15-20 मिनट की वॉक पे था। सो ब्रह्मपुत्र से फिश पकड़ी जाती है और यहाँ पे यू कैन बाय इट। इट्स ऑब्वियसली क्वाइट बिजी अप हियर, बट इट्स अ ग्रेट प्लेस अगर आप फोटोज खींचना चाहते हैं या जस्ट लोकल वाइब को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अभी अंदर जाते हैं। यहाँ मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की, बढ़िया एसएमएस चाय पी और नाश्ते में अंडे भी खा लिए। दिन में मुझे मन हुआ अच्छी कॉफी पीने के लिए, और तब मुझे पता चला कि मेरे होमस्टे के पास ही एक स्टारबक्स भी है। पर वहां पहुंचकर मैंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह को डिस्कवर किया, महाबाबू ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर। ओरिजिनली ये एक डीसी बंगलो था जिसको रेस्टोर किया गया, और वो अभी एक म्यूजियम, क्यूरेटेड म्यूजियम की तरह कन्वर्ट हो गया है। तो रियली गुड प्लेस टू गो विजिट। द अदर गुड थिंग इज देयर इज द स्टारबक्स हियर, सो ऑफ कोर्स यू कैन कम हियर फॉर योर नाइस कॉफी, एंड ऑल्सो देयर लॉट ऑफ डेक्स वेयर यू कैन सिट एंड चिल। सो राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम आइस अमेरिकानो एंड लॉट ऑफ वर्क। या दैट्स व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर के पास ही बना है एशिया का सबसे बड़ा रिवर रोपवे, जो ले जाता है आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर के दूसरे पार नॉर्थ गुवाहाटी में। मैं एक्चुअली सनसेट के टाइम पे आया हूँ क्योंकि मुझे वापस जाते वक्त अच्छा सा सनसेट का व्यू चाहिए। पर अगर आप यहाँ पे दिन में किसी और समय पे आते हैं तो आप ये बेसिकली एरिया घूम भी सकते हैं, यहाँ के टेंपल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाद वापस जा सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट रोप वे है वो 4:30 बजे है, तो मतलब अगर आपने वो मिस कर दिया देन इट बी बिट हार्डर टू गो बैक। आई सॉ लॉट ऑफ फेरीज, तो मे बी देयर इज अ वे टू गो बैक इन अ बोट और यू नीड टू गो बैक इन अ व्हीकल। वापस आते ही मैंने फेरी ली और निकल पड़ा ब्रह्मपुत्र कार्निवल के लिए। ये फेस्टिवल असम टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया है, एंड आई वाज कीन टू गो एंड सी व्हाट द बज़ वाज ऑल अबाउट। I was frankly really surprised by how well organized this festival was. I did miss having some company though. ऐसे कार्निवल्स में दोस्तों के साथ तो कुछ खास ही मजा होता है। मैं पहली बार आसाम 2006 में आया था, और तब मुझे ये जगह काफी फैसिनेटिंग लगी थी। This time I fell in love with the state and its people. आसाम में हमारी जर्नी की अभी केवल शुरुआत ही हुई है। अगले एपिसोड में मैं आपका परिचय कराऊंगा एक ऐसे शक्तिशाली एम्पायर से जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना ही ना हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी आसाम के दूसरे वीडियो से। अभी के लिए अलविदा।